वीडियो एक मजाक है, इसे मजाक की तरह लेना, दिल दिमाग फेफड़े कहीं मत लेना। बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस चाहते हैं कि हम उनको रोस्ट करें। ये एक ऐसा रियलिटी शो है जिसमें रियलिटी छोड़कर सब कुछ है। तो जिस लीजेंड को नहीं पता कि बिग बॉस क्या है तो सुनो, ये एक ऐसा शो है जहां आपको छोड़ा जाता है 3 महीने बिना घड़ी बिना फोन के, और एक इंसान स्पीकर में से बोलता है बिग बॉस चाहते हैं। और ये क्या चाहता है ये भी 14 सीजन तक पता नहीं चला, बस ये चाहता ही रहता है। हाँ, तो इस शो को होस्ट कर रहे हैं सलमान खान। जी हाँ, आपने सही सुना, सलमान खान, उनका ड्राइवर नहीं। और भैया व्हाट्सएप की फॉरवर्डेड जोक्स को स्क्रिप्ट लिखकर स्टैंड अप कॉमेडी करता है सलमान खान अपने सो कॉल्ड वीकेंड के बारे में। अरे मैं क्या कहें, जिसका सबसे नेगेटिव शब्द है पॉजिटिव और पॉजिटिव शब्द है नेगेटिव। ये मार मार का खोपड़ी तोड़ साले का मार। और इन घर वालों को भी पता रहता है कि बिना बिग बॉस की इजाजत से घर से बाहर नहीं जा सकते, पर फिर भी हर सीजन इनका एक ही नाटक रहता है। कितनी टीआरपी क्यों है, ये इतना फेमस क्यों है? सलमान खान की वजह से? नहीं नहीं, या इतने बेले लोगों की वजह से? नहीं नहीं, ये फेमस है इनके कंटेस्टेंट की वजह से, क्योंकि ये कंटेस्टेंट ही ऐसे चुनकर लाते हैं। कुछ तो रिटायर्ड होने वाले होते हैं जो, या तो वो जिनकी कंट्रोवर्सी चल रही होती है, क्योंकि इनको पता जिनकी कंट्रोवर्सी चल रही है वो 100% घर में लड़ेंगे, और इंडिया की जनता को लड़ाई देखने में तो अलग ही मजा आता है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। और 2-4 कलर्स में काम कर चुकी कलर्स की बहुओं को उठा लाते हैं, और फिर कुछ मॉडल्स को जिनको हमने बिग बॉस से पहले कभी देखा नहीं हो, और इनको दिए जाते हैं कुछ टास्क, जैसे एक दूसरे पे कचरा फेंको, गोबर में सो जाओ, मिर्ची लगाते हैं, और एक दूसरे पर सुसु कर दो, ये टास्क नहीं था ठीक है। और इनकी आधे से ज्यादा टास्क तो रद्द हो जाते हैं, और आधे में इनका संचालक बायस्ड रहता है। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। ये शो इतना स्क्रिप्टेड है, इतना स्क्रिप्टेड है, इतना स्क्रिप्टेड है कि लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए 3 लोगों को निकाल देते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद वापस 2 लोगों को ले आते हैं। ये चीज इस घर में पहली बार नहीं हुई है, बहुत बार हो चुकी है पिछले सीजन में भी। पिछले सीजन में इन्होंने 4 हफ्ते में फिनाले कर दिया था, 3 को निकाल दिया था और 2 दिन बाद ही 2 को वापस लिया है। तो देखो या तो निकालो मत, निकालो तो वापस मत लाओ, घर घर खेल लो ना, क्यों निकाल रहे हो सबको? ये लोग इतने पागल है, इतने पागल है, इतने पागल है कि ये इस पर लड़ रहे हैं। एंड इन मैडम निक्की तंबोली की तो अलग ही चोच ले। एंड इन्हीं की हरकतों की वजह से सलमान खान को खुद घर में आकर बर्तन धोने पड़ते हैं। तो इस शो को जीतने का एक ही मंत्र है, लड़ो, बस लड़ो। तुम्हें टास्क नहीं करना, लड़ो। तुम्हें टास्क करना, लड़ो। कपड़े धोने, लड़ो। कपड़े चाहिए, लड़ो। बस लड़ो लड़ो और लड़ो। एंड ये शो आता है 1.5 घंटा, पर इसका डिस्कशन बाकी पूरे 22-23 घंटे चलता ही रहता है। सही पकड़े हैं। यहाँ पर लोग दूसरे के ऊपर गंद मारते हैं, कीचड़ मारते हैं, गोबर मारते हैं, चाय भी फेंकते ही हैं। और फ्राइंग पैन तो बजाते हैं। सालो हर सीजन में सलमान खान को झटका आता है कि मेरे को शो छोड़ना है। सबको धमकी देता है मैं शो छोड़ दूंगा, और अगले वीकेंड के बाद में वापस आ जाता है। मस्त जोक मारा। और फिर जो लोग डर जाते हैं ना कि सलमान खान शो क्विट कर देगा, भाई क्यों करेगा? वो 200 करोड़ चार्ज करता है एक सीजन के, क्या मिलेगा उसको शो क्विट करके? और वो भी 200 करोड़ कभी लेट कर होस्ट करने के, कभी खड़े होकर या कभी बैठ कर। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। और वैसे इन कंटेस्टेंट को इतना सुख तो है, तुमको पैसा मिल रहा बस लड़ने का, और ये 3 महीने में रोने लग जाते हैं, मुझे घर जाना है घर जाना है। और तुम लोग घूमने तो जाते ही होगे,
तब तो 3-4 महीने बाहर रहते, तब तो किसी की याद नहीं आती। अभी तुम 3 महीने घर में क्या रह लिए, तुम्हें पूरे खानदान की याद आ गई। सही पढ़ रहे हैं। नहीं मतलब कभी कॉमनर्स को बुलाओ तो हम लोग देखे भी, कुछ मजा भी आए। कंटेस्टेंट तो माशाल्लाह, पर जिस कॉमनर को लाए ना उसने कॉमनरों का नाम बेकार कर दिया। और भी उनमें से थे एक स्वामी ओम, शक्ल से पंडित और अंदर से कुछ और। भाई साहब लोगों के सामने सुसु कर रहे हैं, शर्म तो है ही नहीं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और उसके बाद फेक भी रहा है। यहाँ पे लोग एक दूसरे को गालियां बोलते हैं, मिर्ची लगाते हैं, धमकियां भी देते हैं, पर जो स्वामी ओम ने किया ना, दैट वाज वाहियात। बाबा ये बात तो गलत नहीं है, कुछ भी पागलबंदी चल रही है यहाँ पे। और इस शो में कुछ धन्य लोग भी आते हैं, जैसे राधे माँ। क्या कुछ सेंस था इनके आने का? सलमान खान को थप्पड़ मारा और उसके बाद मैंने कोशिश की सलमान खान को कैमरे के सामने घसीटने की। आप जो बोल रहे हैं वो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। और भाई इन कंटेस्टेंट में तो होस्ट का डर ही नहीं है। और भाई किसी का बाहर अगर शूट होना तो उसको 3 दिन बाहर निकाल देते, फिर वापस ले आते हैं वाइल्ड कार्ड की तरह। भाई सिद्धार्थ शुक्ला, इसके तो अलग ही मजे है। इसकी 2 एक्स, एक्स का प्रेजेंट, इसकी खुद की प्रेजेंट पिछले सीजन में, और इस सीजन में वापस आ गया अपने जूनियर के साथ फ्लर्ट करने। ओह माय गॉड, टू रूलर। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी हो तो बता देना, अच्छी थी वीडियो शायद। तो वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो तक। तब तक के लिए बाय बाय।